गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से 8 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 6 अप्रैल 1986 ईस्वी को एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुआ था, इसी वजह से हर साल 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो हमें रीजन पता चल गया कि 6 अप्रैल 1986 ईस्वी को एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुआ था। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य क्या है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है, यानी कि मकसद है कि खेल के माध्यम से विकास और शांति को बढ़ावा देना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, तो अपने भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अपने भारत में यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अप्रैल माह में अभी तक जितने इम्पॉर्टेंट डे आए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस मनाया गया था, और 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया गया था, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया था, और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था, और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर ही लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग सारा क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आप लोगों का स्टैटिक GK अच्छे से कवर हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने सर्वाधिक संख्या में रेल इंजन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है, यह कंपनी किस राज्य में स्थित है? तो यह कंपनी स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। अब बात कर लेते हैं लोकोमोटिव क्या होता है। लोकोमोटिव एक प्रकार का रेल इंजन होता है, तो इसे आप लोगों को याद रखना। जहाँ पर टर्म आ जाए लोकोमोटिव, तो आप लोग समझ लेना यह कि रेलवे से संबंधित, यानी कि रेल इंजन होता है लोकोमोटिव। अब सर्वाधिक संख्या में रेल इंजन बनाकर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स टॉप पर रहा है, तो कितने रेल इंजन बनाया है इसके बारे में जान लेते हैं। 431 रेल इंजन बनाकर यह कंपनी ने अपने नाम यह रिकॉर्ड बनाया है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने टोटल 431 रेल इंजन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है, और यह कंपनी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है TVN राधाकृष्णन, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 5 पड़ोसी राज्यों से मिलती है, जिसमें है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश भी हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य अपनी सीमाओं को 3 पड़ोसी देशों के साथ भी साझा करती है, जिसमें है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, और विधानसभा में 295 सीटें हैं।
295 सीटें। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल के किस नदी को शोक नदी बोला जाता है। तो पश्चिम बंगाल की गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को सरकार ने पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामित किया है। तो अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक को सरकार ने पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर नया टर्म आया है पीएम केयर्स फंड, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम क्या है। तो पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। पीएम केयर्स फंड वह फंड है जिसमें लोग कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित व्यक्ति और सरकार की मदद कर सकते हैं कुछ रुपए जमा करके। तो हमें पता चल गया पीएम केयर्स फंड क्या है। यह एक प्रकार का फंड है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार को कुछ दान दे सकते हैं कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने के लिए। आइए चलते, अब ये काम किया है सरकार ने, नामित किया है पीएम केयर्स फंड के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक को, यहाँ अपनी धनराशि एकत्र कर सकते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में और इसके एमडी और सीईओ हैं श्री करनाम शेखर। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक हैं चिदंबरम चेत्यार और इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है। तो अभी हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब दोस्तों यहां पर बात हुआ है ऑपरेशन संजीवनी, तो ऑपरेशन संजीवनी के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन संजीवनी एक प्रकार का ऑपरेशन है जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया है और इसी ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है। अब दोस्तों यहाँ पर मालदीव का बात हुआ है तो मालदीव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है माले और यहाँ की मुद्रा है मालदीव रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आइए चलते हैं आज के पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है। तो अभी हाल ही में SBI बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों डोर स्टेप सर्विस के बारे में जान लेते हैं। इस सेवा के जरिए SBI बैंक अपने ग्राहकों के घर तक पैसे पहुँचाएगी। यह सुविधा केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो वरिष्ठ हैं तथा दिव्यांग हैं। उन्हीं व्यक्तियों के लिए डोर स्टेप सर्विस सेवा शुरू की है SBI बैंक ने। यह सेवा SBI बैंक शुरू की है। तो SBI बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। SBI बैंक का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है
और जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी में, और SBI का मुख्यालय है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में, और SBI की टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, और SBI के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में रजनीश कुमार। तो आप लोगों को SBI के अध्यक्ष का नाम याद रखना है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में डोमिसाइल अधिवासित लागू किया है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य में डोमिसाइल लागू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात कर लेते हैं डोमिसाइल कानून के बारे में, जो अभी जम्मू कश्मीर में लागू किया है केंद्र सरकार ने। आखिरकार ये है क्या? अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नया डोमिसाइल कानून लागू किया है। इस कानून के तहत जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहने वाले कोई भी व्यक्ति अब यहाँ का निवासी होगा, यानी कि जो पिछले 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, इस डोमिसाइल कानून के तहत वह जम्मू कश्मीर का निवासी होगा। तथा इसके अलावा 7 साल तक पढ़ाई करने वाला 10वीं और 12वीं की परीक्षा यहाँ की स्थानीय संस्थान, यानी कि जम्मू कश्मीर की स्थानीय संस्थान से देने वाला व्यक्ति भी कश्मीर का निवासी माना जाएगा। तो यही केंद्र सरकार का डोमिसाइल नियम है। अब ऐसा जम्मू कश्मीर में हुआ तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर दोस्तों हम लोगों को पता है पहले एक राज्य था, लेकिन धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। पहला हो गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा हो गया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है जम्मू, और यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजकीय फूल का नाम है कमल, और राजकीय पक्षी का नाम है सारस, और राजकीय पशु का नाम है हंगुल, और जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजातियों का नाम है गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? केवल 4। लोकसभा में 6 सीटें हैं और विधानसभा में 114 सीटें हैं, लेकिन 90 सीटों पर चुनाव होना है। अब बात कर लेते हैं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अब यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो जम्मू कश्मीर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री मेहर चंद्र महाजन थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आइए चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एक पूर्ण शरीर कीटाणु शोधक कक्ष डिजाइन किया है? तो अभी हाल ही में DRDO ने एक पूर्ण शरीर कीटाणु शोधक कक्ष डिजाइन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों डिजाइन करने वाला DRDO है, तो DRDO के बारे में हम लोग जान लेते हैं। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत में रक्षा संबंधी चीज़ों को देखता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में, और DRDO का मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अब DRDO का मोटो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो DRDO का मोटो है बलस्व मूलम विज्ञानम। आइए चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दूर संचार विभाग ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है? तो अभी हाल ही में दूर संचार विभाग ने CDOT कंपनी के साथ मिलकर क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है।
अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम, तो इसके बारे में जान लेते हैं। क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन से बाहर जाता है तो इसकी सूचना तुरंत डॉक्टर के फ़ोन पर SMS या ईमेल के जरिए पहुँच जाएगा। अब दोस्तों जान लेते हैं क्वारंटीन क्या होता है। क्वारंटीन मतलब यह होता है कि हम अपने आप को किसी एक रूम में आइसोलेट कर दें, जिससे क्या होता है कि यह अगर हम किसी वायरस से पीड़ित हैं तो मेरा वायरस किसी दूसरे व्यक्ति के पास ना पहुंच जाए, इसीलिए क्या किया जाता है आदमी को क्वारंटीन कर दिया जाता है। अब दोस्तों दूरसंचार विभाग ने C-DOT कंपनी के साथ मिलकर क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है, तो अब C-DOT कंपनी के बारे में जान लेते हैं। C-DOT कंपनी का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1984 ईस्वी में और इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और C-DOT कंपनी के अध्यक्ष हैं विपिन त्यागी जी। आइए चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर टर्म आया है पेटा, तो पेटा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेटा एक प्रकार की पशु अधिकारी संस्था है, तो हमें पता चल गया कि पेटा क्या है। पेटा एक प्रकार की पशु अधिकार संस्था है जिसका पूरा नाम है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अब दोस्तों उड़ीसा राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्हीं को अभी पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उड़ीसा राज्य के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है कल्पेश झावेरी। उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि उड़ीसा अपनी राज्य की सीमा को 5 राज्यों से शेयर करता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से। उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे लैगून झील भी बोलते हैं, तो इसे आप लोगों को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे लैगून झील के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में स्थित सबसे बड़े खारे पानी की झील कहां पर है, तो उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध भी उड़ीसा राज्य में है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आज का दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस कंपनी के MD एंड CEO पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में प्रवीण कुमार ने पेटीएम मनी के MD एंड CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों पेटीएम मनी के पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो पेटीएम के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। पेटीएम की स्थापना सन 2010 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। और पेटीएम के CEO वर्तमान समय में रेणु सती हैं और संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथान लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथान संजय धोत्रे ने लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। संजय धोत्रे मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MHRD AICTE COVID-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ देना है दोस्तों। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने दोस्तों से बोलिए अंकित स्टडी IQ चैनल पर डेली सुबह करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड होते हैं, जहां से आप लोग करंट अफेयर्स के वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।